एप्सिस एप्सिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द बॉडी एक टर्म होती है सप्योरेशन सप्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पस इन द बॉडी फॉर्मेशन ऑफ पस मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू पस का फॉर्मेशन होता है उसको सपरेशन कहते हैं टाइप्स ऑफ एप्सिस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एप्स फर्स्ट इज एक्ूट पायोजेनिक एप्सिस सेकेंड इज पाइमिक और मेटास्टेटिक एपसिस एंड थर्ड वन इज़ कोल्ड एप्सिस ये पस होता क्या है इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं मतलब ये किसका बना होता है और ये बनता कैसे है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है पस इज़ अ थिक येलो वाइट और येलो ब्राउन कलर लिक्विड विच इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड डाइंग ल्यूकोसाइट्स मेली न्यूट्रोफिल्स लिविंग इन डेड बैक्टीरिया एंड सेल डेपरिस तो जो पस होता है वो एक थिक लिक्विड होता है इसका कलर येलो वाइट और येलो ब्राउन होता है जो पस होता है उसके फॉर्मेशन में लिविंग और डाइंग ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और इसमें मेली न्यूट्रोफिल्स होते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो पांच तरीके के होते हैं न्यूट्रोफिल्स योसोनोफिल्स बेसोफिल्स मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट बाद में टी लिफोसाइड और बी लिम्फोसाइट ये दो तरीके के लिफोसाइट होते हैं तो इन पांचों तरह के वाइट ब्लड सेल्स में जिनको लिकोसाइट्स भी कहते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का फेगोसाइटोसिस होता यह है कि जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी पैथोजन एंट्र करता है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले वो सेल होते हैं डब्ल्यू में जो रिस्पॉन्ड करते हैं ये उस साइट पर जाते हैं जहाँ पर उसकी एंट्री हुई है पैथोजन की और उनको एनगल्फ कर लेते हैं यानी कि उनको खा लेते हैं इंजेस्ट कर लेते हैं और इनसे एंजाइम भी निकलते हैं जो कि बाकी के पैथोजेंस को ख़त्म करने में उनकी जो नंबर है उनको कम करने में हेल्प करता है तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा उनकी पस पस में संख्या होने की वजह यही है क्योंकि बाकी डब्ल्यू बी में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले सेल यही हैं इसके अलावा लिविंग एंड डेड बैक्टीरिया और सेल डेब्रेस मतलब जो बैक्टीरिया एंटर हुआ है पस में वो भी मिलेगा और सेल डेब्रेस यानी कि जो सेल खत्म हो चुका है डेड सेल हो चुका है उसका जो बचा कुचा जो उसके रिमेन्स हैं वो पस में मिलेंगे प्रोसेस ऑफ पस फॉर्मेशन हमारे शरीर में पस का फॉर्मेशन होता कैसे है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले होता यह है कि जब हमारे बॉडी में स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी भी तरह की ओपनिंग कट के थ्रू या किसी भी तरह से ओपनिंग होती है तो उससे बैक्टीरिया एंटर कर जाता है और कुछ पायोजेनिक बैक्टीरिया जैसे स्टेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस स्यूडोमोनास एक्टिनोमोनास ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि पायोजेनिक बैक्टीरिया हैं या जो जिसके एंटर होने से हमारे बॉडी में पस का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में ओपनिंग की वजह से उसमें से कोई बैक्टीरिया पायोजेनिक बैक्टीरिया एंटर करेगा बॉडी में उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ सेल्टिस एंड एक्यूमलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट सेलोलाइटिस क्या होता है सेलोलाइटिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन विच कैन स्प्रेड टू डीपर लेयर ऑफ स्किन एंड फैट एंड सॉफ्ट टिश्यूज अंडरनीथ एंड कैन कॉज पेन स्किन डिस्कलरेशन स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एंड इट शोज ऑल फाइव साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड दे आर कैलर रूबर ट्यूमर डॉलर फंक्शुलेजिया मतलब जो सेलेटिस होता है वो स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्किन की डीप डीपर लेयर तक फैल जाता है और उसके साथ साथ ये जो स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है और उसके बाद जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की लेयर होती है वहाँ उसको भी अफेक्ट करता है इसके अलावा इसमें जो इसके सिम्टम्स मिलते हैं वो पेन स्किन डिस्कलेशन स्वेलिंग टेंडरनेस और इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन के जो पाँच साइन हैं वो भी इसमें मिलते हैं सेलेटिस के अलावा इसमें था एक्यूबिलेशन ऑफ लीकोसाइट्स ल्यकोसाइट्स डब्ल्यू होते हैं डब्ल्यू को लीकोसाइट बोलते हैं और जब भी कोई हमारी बॉडी में फ़ोरन बॉडी एंटर करती है तो वहाँ पर डब्ल्यू आके इकट्ठे हो जाते हैं एक्यूबलेट आते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसके बाद होता है सेल डेथ एंड लिक्विड ऑफ डेट टिश्यूज़ बाई प्रोटीओलाइटिक एनजाइम्स कुछ सेल्स या टिशू जो इन्फेक्शन के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो डेड हो जाते हैं और ऐसे डेड सेल्स और टिशूस का लिक्विफेक्शन प्रोटोलैटिक एंजाइम करता है ये लिक्विफेक्शन क्या होता है लिक्फेक्शन का मतलब होता है लिक्विफाई होना मतलब सेल या टिशू जब डेड हो जाते हैं तो कुछ ही घंटे के अंदर वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं और ये काम करता है प्रोटोलैटिक एंजाइम और ये डिज़ोल्व होकर एक थिक स्टिकी लिक्विड में चेंज हो जाते हैं इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफेक्शन और ये जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये आते हैं न्यूट्रोफिल्स या माइक्रोफेजिस जो कि मोनोसाइट होते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के अंदर होते हैं लाइजोजोम्स लाइजोजोम सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे कि अपरेटस माइट्रोकोरिया की तरह लाइजोजोम भी सेल ऑर्गेनलीज ही होते हैं जिनके अंदर होता है प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जब वो लाइजोजोम टूटते हैं फूट जाते हैं उसके अंदर से निकलते हैं ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ख़त्म कर देते हैं वह इसका फाइनल स्टेप इस अब इसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है लिक्वि की वजह से इसमें जो थिक और स्टिकी लिक्विड बना था वो और इसमें लिविंग और डाइंग ल्यूकोसाइट्स थे मेनली न्यूट्रोफिल्स थे और लिविंग एंड डाइंग बैक्टीरियाज एंड सेल डेबरिस इन सब को मिला करके यहाँ पर हमें जो इसका फाइनल प्रोडक्ट नज़र आता है वो पस की फॉर्म में होता है और स्टार्टिंग में हमने जो पस की डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें भी यही सब था लिविंग एंड डाइंग ल्यूकोसाइट्स लिविंग एंड डाइंग बैक्टीरियाज एंड सेल डेप्रेस